एक राष्ट्रीय अवार्ड मिलना छोटी बात नहीं होती। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगी। लेकिन अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब मुझे अपनी लाइफ की स्लेट पर नए सम्स लिखने थे। मुझे इसरो से DRDO का डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया। वहां का एटमॉस्फेयर समझने में मुझे थोड़ा समय लगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस भी किए। हमने सीनियर साइंटिस्ट की एक टीम बनाई और उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी कमेटी नाम दिया। DRDO एंटी टैंक मिसाइल्स के फॉर्मेशन का पायनियर माना जाता था। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको नाम दिया इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IGMDP। इस प्रोग्राम में 5 प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग। हमने 5 प्रोजेक्ट्स को अलग अलग टीम्स में बांट दिया। हर टीम का ग्रुप कैप्टन एक एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट को बनाया ताकि वो अपनी टीम को समझदारी से सही गलत का फैसला दे सके। आकाश और नाग को अभी फ्यूचर मिसाइल्स में रखा गया। हर महीने एक ग्रुप मीटिंग सेट की जिसमें सारे साइंटिस्ट्स, जूनियर्स और सीनियर्स सब एक साथ ग्रुप कॉन्वर्सेशन करें। मेरे हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल आउटकम एक प्रॉपर प्लानिंग, विजुअलाइजिंग, गोल सेटिंग और भरोसे से मिलता है। तगड़ी मेहनत और लगन के बाद 16 सितंबर 1985 को मिसाइल प्रोग्राम की पहली मिसाइल त्रिशूल श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। त्रिशूल के बाद पृथ्वी का लॉन्च पूरे 3 साल बाद 25 फरवरी 1988 में हुआ। क्योंकि पृथ्वी एक साधारण मिसाइल नहीं थी, वो फ्यूचर में आने वाली सभी मिसाइल्स की एक नींव थी। इसके एक्सप्लोजन का एरिया काफी बड़ा था। इसके लॉन्च की खबर ने आसपास की दूसरी कंट्रीज को भी दहलाकर रख दिया था। पृथ्वी के बाद अग्नि के लॉन्च की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई। इस मिसाइल के लॉन्च में हमें काफी कंट्रोवर्सीज का सामना तो करना पड़ा ही, लेकिन 2 बार इसका लॉन्च भी रोका गया। दोनों बार कंप्यूटर ने लॉन्च के ठीक 10 सेकंड पहले होल्ड का साइन बता दिया। अग्नि की टीम में तकरीबन 500 साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। सभी काफी निराश हो गए। अखबारों में तरह तरह का मजाक बनने लगा। तब मैंने अग्नि के टीम मेंबर्स के साथ अपने SLV के पहले फेलियर की कहानी शेयर की, उनकी हौसला अफजाई की और फाइनली 22 मई 1989 को अग्नि का 3रा और सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। लाख डिसअपॉइंटमेंट्स, लाख डिमोटिवेशन के बाद भी हमने वो कर दिखाया था जो हमें करना था। अग्नि के लॉन्च के बाद इंडिया और मजबूत हो गया था। चारों तरफ फिजाओं में कामयाबी की खुशबू महक रही थी। 1990 के रिपब्लिक डे पर इन मिसाइल्स का लॉन्च सेलिब्रेट किया गया। मुझे एक बार फिर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने रिटायरमेंट के बाद ये सोचा कि उनकी कलम से आने वाली पीढ़ियां भी कुछ सीख सके। उनकी लाइफ की सक्सेसफुल जर्नी से इंस्पायर होकर और फेलियर से सीखकर क्यों ना एक कामयाब हिंदुस्तान बनाया जाए। उनकी लाइफ से हमने ये बात तो सीखी ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त जरूर दिखाती है। बस हमें कोशिश करते रहना चाहिए।